इस गांव से पानी पीने के वजह से, इस कुएं के पानी के वजह से हड्डियों में दर्द है। 10 सालों से ये मेरी हड्डियों में दर्द है, जो उठ बैठ नहीं सकता हूँ। मेरे हड्डियाँ जो हैं वो सारे कमज़ोर हो चुके हैं, मैं चल भी नहीं सकता और कोई घर वाले का कोई ख्याल भी नहीं रख सकता हूँ सारी पानी पीने की वजह पर। मेरे गांव में 99% आदमी इस खराब पानी पीने से बीमार है, उसके हड्डियों में दर्द है, कमज़ोर है। घर के अंदर जो पानी की फरामी है वो 100% लोगों को मिल जाए साफ पीने का पानी, ये मेरा ख्वाब है और उस ख्वाब उस मंजिल की हासिला तक मेरी जद्दोजहद जारी रहेगी। पानी ज़िंदगी है और पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है, और पानी अगर बुज़र सेहत हो तो बाकी आप कितनी भी अच्छी चीज़ें ले आएँ लेकिन सेहत पे बुरे असरात होंगे। और थर के मामले में तो और ही मुश्किलात हैं, यहाँ ज़मीन के नीचे कुछ ऐसे नमकियात मौजूद हैं जो बारिश के पानी के साथ मिलकर उसे जहरीला बना देते हैं, जिसको फिर यहाँ के लोग पीते हैं और इसी जहरीले पानी से अपनी जरूरत जिंदगी पूरी करते हैं। पिछले 10 साल से अली अकबर सिंह के रेगिस्तानी इलाके थरपाकर में साफ पानी की फरहमी के लिए काम कर रहे हैं। थर के लोगों का अक्सर मामला पे यही होता है कि ये साइंटिफिक नहीं बल्कि रूहानी मसाइल हैं, ये किसी की बददुआ से हैं, किसी की दुआ से हल हो जाएंगे, एक इनके जहन में बात बैठ गई है। इस मिथ को तोड़ना, इस बात की तब्दीली मेरे काम का असल मकसद है, मेरे काम का हिस्सा है। अली अकबर किसी भी गांव में अपने काम की इब्तिदा पानी का मुआयना करने से करते हैं। लिखे 2870 पानी सा चेक करियो है, ये पानी अंदर खारान पे, ये अंदर बीजा मसला भी है। एक तो इतने जो अस टेस्ट करें वे हिसाब से खराब ही है, कुछ भी जो पानी से भेड़ो खण्यो है, ये 16 कलाक का पचे रिजल्ट आसे अगते मोकल सा, ये में हूँ कोशिश करा दो तो जो है सो वद का वद ए मसलो जो है ये साइंसी बुनियादा से जो है सो निकरे आया तो मसलो है कड़ो ए समझा बात ना वे का पचे वाले वापस आ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पीने के पानी में नमकियात की शरह 1200 TDS से ज़्यादा किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए, लेकिन थर के अंदर जो लोग हैं 4000 TDS से ज़्यादा पानी पी रहे हैं, जो कि इंसान की सेहत के लिए मुज़र है और ये जानलेवा साबित हो सकता है। समुरिन में अली अकबर ने एक फिल्टर प्लांट लगाया था, मगर इससे तमाम लोग फ़ायदा नहीं उठा सके। आज मेरे मकसद जो आने का था यहाँ मीटिंग का, वो ये था कि आरओ प्लांट जो लगा है 2008 जुलाई में, अभी 3 साल हो चुके हैं, उसका फ़ायदा जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो आप गांव वाले बताएं कि फ़ायदा क्यों नहीं आप ले रहे। हम चला ही नहीं सकते अभी। क्यों?
डीजल महंगा है, पानी 1 रुपए लीटर पड़ता है, घर में 100 लीटर 200 लीटर पानी चलता है। नहीं, डीजल तो महंगा मिलता है, लेकिन तो गांव वालों को इकट्ठा होना है, उसमें आपने जेब से पैसे डालने हैं 200-300 रुपए, फिर क्या होगा? फिर ऐसे बीमारी में रहोगे, दवाओं के पैसे जो देते हैं, पेन किलर जो लेते हैं सारा दिन, गोलियां। पानी का मसला है, पानी हो तो हल हो जाए मसला, गोली लेने जरूरत नहीं पड़े। तो पैसे वो जो दवाओं वाले हैं वो लगाए ना पानी पे लोग। दूसरों गाँव का ऐसा पानी नहीं है जैसा हमारे गाँव का है, ये वजह से मैं कह रहा हूँ, हमारा हर आदमी जो है सो लूला है, लंगड़ा है, औरत है, माँ बीबी है, बहन है, सबको मतलब ये पानी खींच लेता है। आटा 25 रुपए किलो आटा मिलता है, वो आटा ले आए या 10 रुपए किलो लेकर पानी भरे। सारा गांव गरीब है भाई, थोड़े बहुत मुलाजम है, सारे गांव गरीब। तो थोड़े हैं तो दूसरों की मदद करें ना। दूसरों की मदद नहीं करते, वो आप अपने बघर में परेशान है भाई, हुकूमत बंदोबस्त ना कर सारे मर जाएंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। समूरिंद के जब अंदर हमने ये प्लांट शुरू किया था तो हमने कुछ उसूल बनाए थे कि कम्युनिटी खुद इसके एक्सपेंसेस बियर करे, लेकिन वक्त से साबित हुआ लोग जो हैं वो मुसलसल नहीं ले सकते। एक दफ़ा ले लिया पानी, उसमें कंट्रीब्यूट किया, लेकिन फिर 4 दिन ऐसे ही गुजारा कर लिया, या पीने का सिर्फ पानी ले लिया, बाकी जो घर में खाना वाना पक रहा है वो फ्लोराइड वाले पानी से पक रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं ये कहता हूँ कि जैसे हमने कोशिश की जी, वसाइल ले आए जी, हाँ। ये प्लांट ज़ाया नहीं होना चाहिए, आप कोशिश जारी रखें जब तक मैं इसका सस्ता और कोई बेहतर हल तलाश करूं। इंशाल्लाह, ये ज़ाया तो नहीं होगा ना, प्लांट ज़ाया ना हो, खराब ना हो। हमारा इंडिकेटर ये है कि जितना लोग समझ जाएंगे बात को, वो हमारी कामयाबी है। लोग जितना डिमांड करेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, जितना आगे आएंगे अपने हक के लिए, और जब ये पॉलिसी में शामिल हो जाएगा और थर के सब लोगों को साफ पानी मिलेगा, हम समझेंगे हम कामयाब हैं। पानी का मसला हल करने के लिए अली अकबर को थर के दूसरे मसाइल से भी निमटना पड़ता है। माओखे राज के गांव में पानी के मसले के अलावा जात पात और रंग नस्ल का फर्क है। अक्सरियत पानी मेंगोड़न असें कोंदा जे मिसल के पानी हते असा साफ न करियो तुम तो अगर ही एरिया में जे आ जाए तब सही है तडियो त असन गोठरे विच ते दियो न त असन खपे कोन तो गाल क्लियर चारई बिरादरी उन नुमाइंदा थी सकन था उन जी गाल ठई सके थी कम हली सके तो असा के निकाली खुशी है अवामी नेक नियत ही है असें कोशिश कंदा असी हड़ा वड़ा जता थी सकियो ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो गॾिजी विहणु माना हिकिड़ी आङुर जी ॾिसो ताक़त घटि आहे जेकॾहिं 4 आङुर ऐं अंगूठो गॾु त माना मुठ आहे माना ॿधी आहे सॼी ॻोठ जी ॿधी आहे। इन ॻाल्हि में ख़ुशि आहियो, असीं बि इन में ख़ुशि आहियूं, असीं अव्हांजा भाउ आहियूं, असीं कोशिशि कंदासीं। मऊ अखेराज की जो कम्यूनिटी है, इनके अपने बिलीव्स आहिनि, इनकी जो क्लास डिवीजन भी है, कास्ट डिवीजन भी है। मेरे लिए पहला टास्क ये होगा, ये एक जगह जमा हो जाए, एक सोच बन जाए, और उसकी टॉप प्रायोरिटी जो है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर आ जाए। समुरिंद में बीमार लोगों को साफ पानी की अहमियत समझाने के लिए अली अकबर डॉक्टर के साथ घर घर जाते हैं। तकलीफ़ तो आए मतलब एकड़ी बीमारी कोने बटे ने मते समझी है ठीक आ एकड़ो त इन पथरी पानी जे करे पेंजे गोठ में यो मसलो थियो आ गोडन जो संदन जो सूर आई जिस्म में फ्लोराइड जी लेवल वधी इंदी आ पेंजे पानी में फ्लोराइड तमाम घणो आ उन जे करे ही बीमारी आ उन जे करे हेडो वडो पान वटी यो पानी जो जको सेटअप लगो आ यो पानी पर ब्या जे के नडड़ा बार इन इनन के पान के प्यारन खप जे ब्या जे के सब ये पानी पियन त इन में तमाम घणो पान के फ़ायदे थी दो। सुमी साफ पानी की आगाही के लिए हम मुख्तलिफ टूल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, तो डॉक्टर को जो ले आएँ ये भी एक टूल के तौर पे लाएँ कि यहाँ के बाशिंदों को पता चले कि सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि पानी ख़राब है, मेडिकली ये प्रूव्ड है कि फ्लोराइड ज़्यादा पानी जो है वो इंसानी सेहत को तबाह करता है। अच्छा हाँ तेड़ो पानी पियो पाया पानी ये खारा पींदो 10 रुपए 20 रुपए घड़ा कना गेने पूरे पऊ
अच्छा पानी पीने में कदे का केतरे टाइम का ता के सूर थियो दो साल त्रा साल छन पई मंजे ते पई ए दंत किरे किरे कढ़िए खराब थए अच्छा आई बाकी मेन मसलो आए तो पानी मेहरबानी करे ता मिठो वापराइस जे कदे ता 5 महीने तई मिठो पानी वापराइंदो तो कुछ हद तई ता जी या तकलीफ दूर थी दी ए इन में काफी ता जी बेहतरी इंदी शुरू शुरू में यो दंदन ते इन जो असर हुंदो आ उन खपो जिस्म जे हदन ते असर जो लोग चल फिर नहीं सकते उन तक हम पहुंचे हैं और उनको ये बात समझाने की कोशिश की है कि वो अपने घर वालों को समझाएं कि साफ पानी का इस्तेमाल हो। हमारी ये कोशिश है कि मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को मोटिवेट करें कि वो साफ पानी इस्तेमाल करें। इस ज़मीन से हमारा गहरा ताल्लुक है। हम समझते हैं कि लोगों की हमसे बहुत ज़्यादा तवक्कात वाबस्ता हैं। अगर इनके लिए हम काम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। भाइयों सभा नमस्कार। अज मावा के राज के लोग जात पात का फर्क मिटाकर अली अकबर के साथ इकट्ठे हो गए हैं। अज जेको गद थ्याऊं एक खुशी री बात है त सब सजो गोठ गारा मानु जेके भेड़ा थ्या है आई गदल मकसद ला जेको सो गाल बोल थे पी ये में कुलारो फायदो है आई या गदल मसला ला गदे बेसणो हो थे तो जद बेसण थे तो तदे मसला हल निकरे तो। अज जो बात करा था ये फ्लोराइड से तो जडे फ्लोराइड पानी में घड़ो हो तो 5-7 साल एक मानू लागी तो पिए तो वह हड्डा जो सूर कर सें ये में कोई जादू को फेणो टूणो को तो है। साइंसी बातें हो वो साइंसी बुनियाद हो वो समझण जरूरी है। तो अवाना एक चंद बातें हैं जिके ये पन्ना से समझाऊँ तो जैसे बरसात पई जैसे पानी इतना आयो तदी की थो बीजो पानी जो है वो गो जमीन अंदर एक वलिया होता हे जो उजा ये पानी गुजरियास है जैसे गुजरे इत आयो तच में जो भी ये बेड़ा मवाद है जो मवाद उस भेड़ो लिया है ये जैसे भेड़ा थे पानी कटे या पियो तदी उ बीमारी वलिया किथे किथे सजा में न किथे किथे हो अदो अज जो अस भेड़ो आयो है अदो जो ये नालो है जींदो खान रिंद बरोच गोठ है समूह रिंद ये भी जो है सो अवा वांगे मरीज है। ये न अर्ज करांदा तो सजी आपरी बीमारी कहानी सुनाए कि तां डॉक्टर कना गयो कि इलाज कराई तो 25-26 साल मुझी उम्र है उनमें पहले थोड़ा थोड़ा गोडन में सूर थो सिर्फ एकड़ी आंगुरी आंगुरन जा संदा ये उजबन जो भी संदो थे तो इंसान जो जोड़ हो तो सभी में सूर थे पानी उत जमन शुरू थो थर में गुटको या पान वो तो पान इस्तेमाल को करूँ जो पान अड़ा शहरी लेवल से वेठल आयो जो उत 24 कलाक में हाँ पान जहाँ सभी दंद एक जड़ा है बाकी शहरी मानू बीठा इन दंद अच्छा है जो टाइट हुए जी साई लेकपुर बीठो है अड़ी डिजाइन में असो गोठ में कोई मानू हों को सजो मसलो है पानी तंखा ही जो इधर आया उन्होंने अस आरा प्लान लगा पानी आरा प्लान जो पानी 2-3 महीना लगातार पीयूँ था तद हथन की सोजी बोझी है बिल्कुल खत्म थी वे मशीन जो कम ये है तो वो खारो पानी खराब पानी अलग थी करे साफ पानी करे अलग कर दे दी तो मशीन ये एड़ी है असाज गाँव नियाणी असि बीजे गाँव में परे दियां था वो जो अबरी हुई तो ठीक थे जा सर पेरा जो सबरी हुई वो इतले आउंदा वो 15 साल में पर जो जा मचो जले हां सही बात सही बात अवा जिको बातें करें ये सुठी हैं अवा जी बातियां का से ना उम्मीद को असन उम्मीद है अन्या बन्या अभी कोशिश कर सो देखो ना हेकी अंगली री ताकत इती को है जडे चार अंगले अंगूठो भेड़ो थे तो मुठ तदी थे थी ताकत तदी थे थी तो अवान पेरे आपस में गाँव की सतह मिलनो पास बगैर कई रंग नस्ल जात पात रे अपना गद्दे इंसानियत रे बुनियाद ते इंसानियत रे बुनियाद ते से सोचनो है तो आप जो सो कि गद्दे कम करा अवान जी मेहरबानी। Yeah.
अकबर थिएटर के जरिए भी लोगों को उनके हुकूक से आगाह करते हैं। काका देख खबर तारी छोकरियों की है तेड़े गयो तो अस्पताल सुनियो है। अब्बा छोकरी ना तेड़े गयो तो दवाएं लेना दे डॉक्टर है कुछ ठीक है। काका जाने ता छोकरी डॉक्टर की कहें दे। अम्मा डॉक्टर की कहा से डॉक्टर कहें दे ये पानी रे करे सजे बीमारे थाई थी। ये सरक हूं गड़ो काका जानू दल गिरा काका जानू के अपन पानी ले को में बकरा ने जाने तो मुते काका जानू आप पकल कर पानी भरना। भले में तो हंसो हूँ पियाण थारू को तो भराने हूँ पियाण लाओ समय रे तड़ेगा हूँ थारो पिलाण लगे लुआ भरण जाइस ए तो गबा धोण ला करे हूँ भरण भरण आयो वो तो 10 रुपया दे ना घड़ो हेना छोकरी ना तड़े गयो तो पंच नी हुआ अस्पताल में हतो 10,000 भरायो 10,000 ओ जगह ने 10 रुपया रो डब्बो पानी रो ले हूँ प्याड़ा आंद ने 10,000 केला भला केला भरा। हां काका कहीं सच तो अजो के डी के हवा से नंदड़ी इकड़ी कोशिश करनी पवी हिड़ो पोस्ट कार्ड है उनते टिकलियों लग पे टिकली लगने जरूरत भी कोने को अड़ा कार्ड अस छपाया अभी पा मुहम तो हलूँ एक शुरुआत करूँ तैं आवाज़ जो है सो मथन मानू तुजे आवड़ी वरी भी गुजारिश करा तो तुम हि लिखो लिखी असें दियो अस पोस्ट में विझासी तो उन्होंने ताई पहुंचे तो समय रंद जो गोठ जो रहने वालों का मुतालबो किया है हि असा अदा जिन एडी मेहनत कई है हि भी असि गोठ गोठ वही यहाँ गाल मानुन के समझाऊँ था तो बाबा पानी के करे बीमारी थिएटर का जो मकसद है उसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना और लोगों को ये बताना कि उनका हक ये साफ पानी का कहाँ से मिलेगा। मेरा ये काम नहीं है कि वहाँ पानी प्रोवाइड करूँ हर जगह और मैं कर भी नहीं सकता। मैं कोशिश कर रहा हूं कि लोग उनको अंदर जानकारी आ जाए और वो अपना हक ले सकें। मावा के राज के गांव वालों के लिए एक खुशखबरी है। साईं नमस्ते अवान जी तो खबर है तो अवान जे गारो पानी जहरीलो है एकुलार सेहत ते जो है सो बुरो असर छड़े तो ये शे ने सामू रखे करे असा फैसलो करे है तो एक मशीन पानी साफ करनी लगाई जाए अवान जे गांव में पर वडो कम है वो में घणो वक्त लग से फिलहाल जो है सो मी वट कुछ फिल्टर है पानी साफ करना है अभी सुनाओ जो मानो बीमार है उन्हें अड्या जी फायदो ले सके। एक वेर सिंह थे गयो अर्जन थे गयो तनु माधाणी टन चौथो जोधो ललानी लिखे जर जोधो जी हां चार थे गयो ये देखे एतराज है कहीं ना एतराज साइड के मारो एतराज नहीं बोलन कहीं हां ना एतराज भी तो ठीक है भाई है सुबुरा से लिया सा फिल्टर आजमाओ इस्तेमाल करो जेगा पानी साफ थे दो पछे देखो ठीक है भाई जा सा हर के सारे देहातों में साफ पानी फरहम करने में एक तवील अरसा लगेगा लेकिन मावा के राज के कुछ लोग अब साफ पानी पी सकते हैं। ये जो ये पानी है ये देखो ना ये मेल है ये नजा खन थोड़ो घणो मेल है ये जंदो सोन तन साफ थी से ई रुगा में हाथ दियो ये जो को है ना ये है साफ पानी बगा है जो बिना फर्क है को है हाँ ना फर्क है साथ में दुआ है देखो बिना फर्क है ठीक है बाबा अवान जवाल है संभाले रखा ठीक है बाबा मेहरबानी। इलाही फर्क है हाँ।
ये में ऐसे पानी जेकर छाने जेके घर सजे कुल भले ना पिया भले भले कुल सजे घर हां हां ए आ भले जो बला फर्क है ना को है फर्क वडो है ना हां वडो फर्क है ना नहीं बिना भेला कर गिलास ना ए वडो फर्क है ए पानी पियो गंदो पियो वो पानी सब अच्छो फेन पियो पिए पिए जो बला चलो पानी पिए और तलाई रो तलाई रो थर के सब रहवासियों को साफ पानी मिले ये हमारा एक ख्वाब है और उस ख्वाब की तकमील हमारी मंजिल है। यहाँ के लोग जब खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे आइंदे नस्लें सेहतमंद होंगी तो ये इलाका सरसब्ज शादाब होगा तो थर किसी भी तरह से जन्नत से कम नहीं होगा।